तो और एक बार फिर यहाँ पर शिबाइनो कॉइन अपने आप सुर्खियों में आ चुका है। अब यहाँ पर रीजन काफी सारे हैं। सबसे पहले तो बर्निंग से रिलेटेड अपडेट्स आ चुकी है उन्होंने होल्ड करके रखे थे उन्हें मूव कर दिया है अब ये मूवमेंट क्यों हुआ है इसके पीछे कई सारे कारण बताए जा रहे हैं यहाँ पर कम्युनिटी का ये मानना है जैसा कि विटालिक्वेंटी ट्वेंटी में किया था इसी के साथ में यहाँ पर D3 के साथ शिबाइनो की एक रीसेंट पार्टनरशिप भी हमें देखने को मिली तो इन सारी अपडेट्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे तो मेक श्योर sure आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए इसी के साथ में क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही में यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर हम प्रीमियम सिग्नल्स आपके लिए लेकर आ चुके हैं वो भी पूरी तरह से फ्री में तो इस ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप जाके ज्वाइन जरूर करें दोस्तों वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट और आज हम लोग बात करने वाले हैं शिबाइनू यानी कि शिव के बारे में दोस्तों कई सारे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं कि आप शिबाइनू पर इतने वीडियोस क्यों बना रहे हैं लेकिन यहां पर एक ही आंसर है इस चीज का क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारी अपडेट्स रेगुलरली आपको देखने को मिल रही होगी कई सारे शिबाइनू के ऐसे होल्डर्स हैं जो इन अपडेट्स को जानना चाहते हैं तो यहाँ पर शिबाइनू के ये वीडियोज उन लोगों के लिए ही होते हैं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर करंट अपडेट की तो रिसेंटली जस्टिन सन जो कि टोन के फाउंडर है जैसा कि मैंने बताया उन्होंने यहाँ पर अपने जितने भी शिवायु टोकन्स उन्होंने बैलेंस के अंदर होल्ड करके रखे थे आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइव बिलियन शिबायनु टोकन्स थे वो और ये सारे शिवायु टोकन्स उन्होंने मूव कर लिए हैं अब मूवमेंट जब भी हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर सेल ऑफ़ के लिए देखने को मिलता है लेकिन जब भी यहाँ पर जो फाउंडर्स है वो अपने टोकन्स को मूव करते हैं तो ज़्यादातर हमें बर्निंग्स देखने को मिलती है आपने ट्वेंटी के बोलन में देखा होगा कि किस तरह से विटालिक

एक हफ्ते के अंदर तो इस तरह की चीजें हमें अब जल्द से जल्द देखने को मिल सकती है जहां पर अगर ये मूवमेंट बर्निंग से रिलेटेड हो रहा है तो की कम्युनिटी और शिबाइनु का प्राइस दोनों ही पंप होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं दो विड्रॉल्स हमें देखने को मिले हैं जहाँ पर एक तो 500 बिलियन शिबाइनो टोकन यहाँ पर मूव किए गए उसके बाद यहाँ पर 77 बिलियन के शिबाइनो टोकन दूसरे ट्रांजैक्शन के अंदर मूव किए गए थे तो यहाँ पर इस मूवमेंट की दो पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है पहला तो शिव बर्न में बर्निंग हमें देखने को मिल सकती है दूसरा शुबेरिया ब्रिजिंग के थ्रू भी कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट में यहाँ पर कॉइन्स बर्न होते दिखाई देंगे लेकिन जितने की फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी सेवन बिलियन टोकन से बर्न होंगे शिफ बर्न में उतनी बड़ी बर्निंग हमें देखने को नहीं मिलेगी करंट डेट में जो शिबा का प्राइस चल रहा है वो इस समय पर काफी लो आ चुका है क्योंकि मार्केट में बिटकॉइन के प्राइस में काफी बड़े फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रहे हैं बिटकॉइन भी रिसेंटली नीचे आता नजर आया लेकिन क्योंकि पिछले ट्वेंटी आवर्स की बात की जाए तो यहाँ पर थ्री से हमें शिबा के प्राइस में डाउनफॉल देखने को मिला है अब ये डाउनफॉल क्यों देखने को मिला सकते हैं ताकि हर एक यूजर यहाँ पर डॉट शिप डोमेन को यूज कर पाए तो देखा जाए तो केवल दो हफ्ते पहले ही हमें समझ में आ चुका था अपडेट के बाद अपग्रेड के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर वहां बर्निंग्स आपको शुरू होती दिखाई देगी और वैसा ही हुआ रिसेंटली हमें पिछले दो हफ्तों में कई बार कई सारी मैसेव लेवल पर बर्निंग्स देखने को मिली जहां पर बिलियंस में कॉइन्स बर्न किए जा रहे थे अब यहाँ पर अगर जिस अपने टोकन को बर्न कर देते हैं तो आप यहाँ पर शिबाकी प्राइस में लगभग सेवन टू एट का सर्च देख पाएंगे जो कि पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड होगा क्योंकि ये ना सिर्फ बर्निंग के कारण होगा बल्कि फोमो के कारण भी होगा कि इतने सारे कॉइन्स एक ही झटके में बर्न कर दिए गए अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट टर्म के हिसाब से शिबाइनो को होल्ड करके रखा है तो इस बर्निंग के होने का वेट करिए कोई ना कोई अपडेट तो हमें मिलेगी ही ये कॉइन्स बर्न हो रहे हैं या फिर सेल किए जा रहे हैं दूसरी तरफ जो एक से डेढ़ रुपए जाने के यहाँ पर प्रोडिक्शन है उसमें भी यहाँ पर हमें पूरे पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहे हैं इस ग्राफ में भी आप क्लियरली देख सकते हैं पॉजिटिव प्रोजेक्शन यहाँ पर लगाए जा रहे हैं अगले एक महीने के लिए जहाँ पर अगले फोर्टीन डेज

पर दो से तीन महीने पहले एक रुपए जाने की भी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही थी अब यहाँ पर एक क्या दो रुपए और डेढ़ रुपए जाने की भी अंदर से परफॉर्म कर रहा है और रिकवरी दिखाने की हर एक कोशिश कर रहा है इन्वेस्टर्स की उम्मीदें और एक्सपोर्ट के प्रोडिक्शन काफी अच्छे खासे हमें देखने को मिल रहे हैं तो दोस्तों यही थी हमारी आज की अपडेट कॉइन से रिलेटेड जिसमें होप आपको करेंटली सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी अगर थोड़ी भी हेल्प की है तो आप इस वीडियो को को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा साथ ही में यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ परीमियम पर सिग्नल फ्री में लेकर आ चुके हैं तो इस ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप जाके ज्वाइन जरूर करना आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ तब तक के लिए गुड बाय